हेलो स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल 1.11 इसमें क्या बोला गया है, वी हैव द टू मटेरियल अ पॉलीथीन एंड अ वुड और दोनों को आपस में रब किया गया है और रब करने के बाद हमें बोला गया है कि जो वुल है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है माइनस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो हमसे सीधी बात पूछी गई है कि हाउ मच इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको मालूम है कि जब भी दो मटेरियल को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो लेता है उस पर निगेटिव चार्ज। तो चूंकि रब करने के बाद इस पर निगेटिव चार्ज आया है तो डेफिनेट है इलेक्ट्रॉन है वो पॉलिथीन से वुल पर गए हैं। और मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन गए, हमने माना n इलेक्ट्रॉन चले गए। अच्छा, क्या बता सकते हैं पॉलिथीन पर कितना चार्ज आएगा? जब भी हम दो बॉडी को रब करते हैं तो दोनों बॉडी पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है। तो इस पर अगर निगेटिव 3.2 10 की पावर माइनस 7 है तो इस पर चार्ज ऑन वूल चार्ज ऑन पॉलिथीन वो होगा प्लस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम्ब। तो हमसे पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है। तो वेरी सिंपल, फर्स्ट पार्ट करते हैं। वी हैव Q is equal to any, ये law of quantization है, तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, Q upon E, तो n is equal to, Q की value क्या है, कोई भी value आप उठा लीजिए, 3.2 into 10 की power minus 7 upon इलेक्ट्रॉनों का चार्ज हम मालूम है 1.6 into 10 की power minus 19, तो n is equal to, ये इससे cancel out हो जाके क्या हो जाएगा, 2, 19 ऊपर आएगा तो positive हो जाएगा, 19 में से 7 गया, तो 10 टू द पावर 12, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच गेट ट्रांसफर। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे एक बात और पूछी गई है कि हाउ मच द मास ट्रांसफर। चूंकि इलेक्ट्रॉन पजेस बोथ द टर्म चार्ज एंड मास, तो जब पॉलिथीन से वूल की तरफ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा तो चार्ज का भी ट्रांसफर होगा, मास का भी ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 31 और हमारे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 2 इनटू 10 की पावर 12। तो व्हेन वी डू द कैलकुलेशन वी विल गेट 1.8 इनटू 10 टू द पावर माइनस 18 किलोग्राम। तो दिस विल बी द आंसर। तो इतना जब पॉलिथीन और वूल को हम रब करेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और इतना मास ट्रांसफर। वेरी सिंपल।